हाय दोस्तों, अनुष्ठ ड्राइवर का आप सभी को नमस्कार। आज आप लोगों को पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसे लोग विश्वास भी करते हैं और कई अंधविश्वास भी मानते हैं। जी हाँ, ये कहानी है एक प्यार की और प्यार में हुए विश्वासघात की। एक लावारिस बच्चा जिसे एक आदमी ने उठाकर उसे वहां तक पहुंचा दिया जहां उसे सारी दुनिया जानने लगी थी। इतना काबिल बना दिया कि हर किसी की जुबान पे उसी का नाम था। मगर बड़े होने के बाद उसने क्या किया? बड़े होने के बाद उसी बच्चे ने उस इंसान को मार दिया जिसकी वजह से वो सब कुछ बना था। मगर ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसके आगे जो हुआ वो हम आपको आगे दिखाएंगे, देखेगा जरूर। इतना सा था तू, इतना सा, जब तुझे उठा के लाया था मंदिर की सीढ़ियों से, इतना बड़ा बना दिया कि सारा जहां तुझे जानने लगा है। मगर तूने मेरे साथ क्या किया? मुझे मार दिया, मुझे? अरे पागल, तेरे लिए तो मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया था। याद है तुझे, जब तुझे गोली लगी थी, दिन रात तेरे पास बैठा होता था मैं, दिन रात भर। तुझे रात को भूख लगी थी, रात को 2 बजे, 2 बजे उठकर तुझे लेके गया था, कोई दुकान खुली नहीं थी। उसके बाद रात को एक दुकान का शटर तोड़कर तुझे अंदर से खाने का सामान दिया था। तेरे लिए 2 रात जेल भुगत के आया था मैं, याद है? सर दर्द तुझे होता था, चोट मुझे लगती थी। मगर तूने क्या किया? मुझे मारने की कोशिश, किस लिए? जायदाद के लिए? और मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तेरा नहीं था। मगर मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने जो मेरे साथ किया है ना, ये तेरे साथ होगा। मैं लौट कर आऊंगा, लौट कर आऊंगा और तेरे गुनाहों का हिसाब करूंगा। शायद यही ऊपर वाले की मर्जी है। मैं आ रहा हूं अपनी मौत का पत्रा लेने। मानने को तो भूत होते हैं और नहीं मानने पर उनका कोई वजूद ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि आत्माएं हमारे आसपास रहती हैं,
मगर बहुत लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ है नहीं ती है कि आत्माएं और वो बदला लेती है और वो बदला लेती है। हा 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 हा।